मेरी और मेरी सफलता के बीच जो भी आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। जब तक कि सिंदूर तुम्हारे मांग में है बेटा, कोई बुरी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम चाहते हैं आप ये राजसी कंगन कनक को पहना दें। हमने बहुत पहले ही ये निर्णय ले लिया था कि कनक ही इस महल की बहू बनेगी। किसी भी कीमत पर अधिराज उस लड़की से मिलने न पाए। अगर अधिराज ने वापस से महल के बाहर जाने की कोशिश की तो? उसकी चिंता तुम मत कर, कोई है जो उसे रोक सकता है। शैतानों के देवता से कुछ और भी मांगता तो मिल जाता। पता नहीं क्यों पर तंत्र साधना करते समय सिर्फ आपकी ही याद आ रही थी, जैसे आप मुझे याद कर रही हो। तभी तो मैं कहती हूँ, तुम मुझसे जितना प्यार करते हो उतना तो मेरे गर्भ से जन्मा बेटा भी नहीं करता। मैंने तुम्हें जन्म तो नहीं दिया, मगर तुमने हर बार बेटे का फर्ज अदा किया, बल्कि अपनी माँ से बढ़कर स्थान दिया मुझे। क्यों नहीं देता मासी? मासी का तो अर्थ ही होता है माँ जैसी। मेरी पहचान, मेरा जीवन, मेरी शक्तियाँ और मेरा अस्तित्व, सब कुछ आपने ही तो दिया है। आपने ही तो मुझे हर विद्या सिखाई। आप तो गुरु हैं मेरी, और इंसानी दुनिया हो या शैतानी, गुरु का तो स्थान ही सबसे ऊपर होता है। और मासी अगर आप नहीं होते तो मैं एक मामूली सा चमगादड़ बन के रह जाता। तुम मुझ जैसी शक्तिशाली डाकिनी चंद्रलेखा की बहन, मंत्रलेखा के बेटे हो तो फिर तुम मामूली कैसे हो सकते हो? अच्छा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? और ये भी बताइए कि कौन है वो बदनसीब जिसने हमारी मासी के चेहरे पे चिंता की लकीरें खींच दी? है एक लड़की जिसने अधिराज का रास्ता काटा है। आए दिन किसी ना किसी बहाने अधिराज उस लड़की से मिलने जाता रहता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे अधिराज उस लड़की को निहार रहा था। मेरी 21 साल की तपस्या यूं भंग नहीं हो सकती। मुझे मेरे लक्ष्य में किसी भी हाल में सफलता चाहिए, और उसके लिए अधिराज का विवाह कनक से होना जरूरी है। इसीलिए
मैं चाहती हूं कि तुम साय की तरह अधिराज के साथ रहो, किसी भी कीमत पर उसे उस लड़की से मिलने मत दो। लगता है उस लड़की के सिर पर काल का साया मंडरा रहा है, तभी तो वो हमारे मासी के चिंता का कारण बन गई है। मासी आप बताइए तो सही, कौन है वो लड़की? अभी जाकर उसका काम तमाम कर देते हैं। देखा एक बहुत ही खतरनाक काली शक्ति थी, एकदम भयानक। इतना भयानक आज तक मैंने कुछ भी नहीं देखा नानी, और पता ऐसा लगा जैसे वो मुझे मारने आई हो। सुना ना बेटी के भाग्य में बहुत कठिन परीक्षाएं दिखाई दे रही हैं और उसके विवाह में कई रुकावटें हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू बहुत थक गई है ना, इसलिए सपने में डर गई होगी। देख बेटा, मैं ना तेरे लिए एक खास चीज रखती हूँ। हाँ, तू ना जल्दी से हाथ मुँह धो क्या, मैं तुझे वो खास चीज दिखाती हूँ। हाँ, जा बेटा। नानी सही कह रही है, इतनी थकावट और परेशानी हुई मुझे, इसलिए डरावना सपना आया होगा। हे अब्बी माँ, इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? कहीं उस पंडित की भविष्यवाणी सच तो नहीं होने वाली है? अब्बी माँ, आपने सदा मेरी सुनैना की रक्षा की है, आगे भी अपनी दया बनाए रखना माँ, अपनी दया बनाए रखना माँ। और आपको क्या लगता है कि वो एक साधारण सी लड़की सच में आपके लिए बाधा बन सकती है? हमें नहीं पता कि वो कोई साधारण लड़की है या उसमें कोई दिव्य शक्ति है, पर जो कुछ भी है मुझे परेशान कर रहा है। उसकी आंखों में वो तेज है जिसे एक बार कोई देख ले तो भुला नहीं सकता। लेकिन ऐसी कौन सी लड़की है मासी? आओ खुद ही देख लो।
चिंता मत कीजिए मासी, उस लड़की का साया भी अधिराज पे नहीं आने दूंगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी और मेरी सफलता के बीच जो भी आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। पुराने गहनों के पीछे पड़ी हुई हो, देखा ना जीजा जी कितना प्यार करते हैं मेरी दीदी से, देख लेना सर से लेके पैर तक पूरे महंगे महंगे गहनों से भर देंगे। वो गहने भले कितने महंगे क्यों ना हो पर इन गहनों की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि माँ के गहनों की कीमत तो आंकी नहीं जा सकती, ये अनमोल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है दीदी कि तेरे जाने के बाद मैं और नानी कैसे रहेंगे, आखिर हम लड़कियों को ही घर छोड़ के जाना क्यों पड़ता है। बेटा यही नारी का जीवन है, जब एक बेटी जन्म लेती है अपने पिता का मान सम्मान बनकर बड़ी होती है, जब पिता के घर से वो विदा होती है तब अपने पति के मान सम्मान उसका हो जाता है, अपने पति के घर की इज्जत उसकी खुशियां उसी के हाथों में होता है, और फिर जब वो माँ बनती है तब अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालती है, और इन सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक बेटी को अपने पिता के घर से अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। पर नानी हम लड़कियों को इस जिम्मेदारियों को इतना बड़ा बोझ क्यों उठाना पड़ता है? नाना बेटा बोझ नहीं भार, और ये भार उसी को उठाने पड़ते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। जैसे महिषासुर का वध का भार देवी दुर्गा को दिया गया और अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु को नारी का रूप धारण करना पड़ा, पिता नारी गंगा की तरह शीतल और चंडी माता की तरह उग्र होती है, शक्ति धैर्य ममता स्नेह और त्याग की मूरत होती है नारी, इसीलिए नारी के कंधों पर इन जिम्मेदारियों का भार दिया जाता है। कितनी बड़ी समझ दी है नानी तुमने आज मुझे, इसके बाद मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझूं। बिल्कुल नहीं समझना। और बेटा सुनैना, शादी के बाद ना तेरा पति का घर ही तेरा होगा, उसका सुख उसका दुख उसकी हार उसकी जीत उसके आंसू उसकी खुशी सब में तुझे उसका साथ देना होगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ बेटे कि तुम दोनों पर दुख की कोई साया न पड़े, मेरी बच्ची के चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहे।
आप तो जानते ही है ना कि जो कोई भी हमारे और हमारे प्यार के बीच आता है उसका हम क्या हल करते हैं। पर अब हम आ गए हैं आप दोनों के बीच में। अगर आपको हमारी जान लेनी है तो ले लीजिए, हम तो आप पर पलटवार भी नहीं कर सकते। और हम पलटवार करने भी नहीं देंगे। जिस किसी ने भी हमारे ऊपर वार करने की कोशिश की है हमने उसका सर धड़ से अलग कर दिया है। आप तो बड़े मंजे हुए तलवारबाज बन चुके हैं अधिराज। ये छोड़िए, आप ये बताइए कि इतने दिनों के बाद याद आई आपको अपने भाई की? याद तो बहुत आती थी लेकिन थोड़ा व्यस्त थे। लेकिन अब हमारे भाई का 21वां जन्मदिन आने वाला है और हमने सुना है कि वो रिक्शा हो गई है और आपकी शादी भी होने वाली है, इसलिए हम सब छोड़ छाड़ कर सीधा आपके पास चले आए। मेरा नाम मंदाकिनी मासी और हमारी होने वाली भाभी। कैसी हैं आप? अगर आप चाहें तो हम आपको कनक भी बुला सकते हैं और अगर नहीं तो अभी से हम भाभी बोलने का अभ्यास कर लेते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए स्वराज, शादी के बस 2 दिन बाकी है। अभी तो मेहंदी का कार्यक्रम करना भी बाकी है क्योंकि शगुन की मेहंदी और सुहाग की हर एक चीजें देने की परंपरा है हमारी, तो इन सब में अगर आप शामिल होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो पहले आज का शगुन कर ले। राजकुमार ये लीजिए। अच्छा नानी ये बताओ तुम दीदी को क्या खास देने वाली हो? वो कहते हैं ना शादी का खास उपहार। हाँ हाँ है ना शादी का खास उपहार और बहुत कीमती उपहार जो हमारे संस्कार हमारी परंपरा और हमारे बड़ों से हमारी विरासत में मिला है। मैं लाती हूँ। सुने ना बेटा ये मौली है अपने हाथ में बांधे रखना। हाँ ये माता अंबे का आशीर्वाद है, इसे हाथ में बांधे रहेगी ना बेटा तो माँ तुझे हर विपत्ति से बचाएगी, सदा तेरी रक्षा करेगी और ये कभी भी अपने हाथ से उतारना मत। और हाँ इससे भी एक खास चीज है तुम्हारे लिए, मैं अभी लाती हूँ। और बेटा एक बहुत ही खास उपहार, ये सिंदूर की डिब्बी, इसमें देवी माँ का आशीर्वाद है। ये और भी खास है बेटा, कहते हैं ना जब दुल्हन श्रृंगार करती है तो उसका हर श्रृंगार बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल, बिछुआ और मांग में सिंदूर। जब इन चीजों से एक लड़की श्रृंगार करती है तो बेटा वो साधारण लड़की से सुहागन कहलाती है। खास कर ये सिंदूर तो सुहागन के लिए सबसे बड़ा गहना है। जानती हो सुनैना, एक मंगलसूत्र जैसे सुहागन की पहचान होती है उसी तरह ये सिंदूर उसके पति के लंबे उम्र की कामना है। अच्छा आप अपने भाई से क्या मिले, अपनी मासी को तो भूल ही गए। अरे नहीं नहीं मासी, अगर आप हैं तो ही तो भाई हैं। अच्छा हुआ माँ आ गई, और वैसे भी शगुन तो बड़े लोग लेते हैं तो ये शगुन भी माँ ले लेगी क्योंकि माँ से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं।
मिथागन के सिंदूर में इतनी ताकत होती है कि बुरी से बुरी शक्ति भी इससे हार जाती है। क्या करूं, कहीं अधिराज को मेरा वास्तविक रूप पता न चल जाए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक ये सिंदूर तुम्हारे मांग में है बेटा, कोई बुरी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुने ना बेटा, इस सिंदूर के सामने तो यमराज ने भी घुटने टेक दिए थे। हाँ, जिसे सावित्री ने यमराज से लड़के अपने पति सत्यवान की जान बचाई थी, है ना? अरे वाह तारा, तुझे तो ये ज्ञान की बातें पता है। क्यों ना पता हो नानी, बचपन से यही ज्ञान तो दिया है तूने। और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? नहीं बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। इसलिए बेटा, मैं आज तुझे ये अनमोल भेंट दे रही हूँ। इसमें देवी माँ का आशीर्वाद और तेरे माँ का आशीर्वाद है। ये सब मेरे वजह से हुआ है। अगर आज अधिराज को जरा सा भी शक हुआ तो चंद्रलेखा मुझे मार डालेगी। ये माँ की है नानी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ की है। देख लेना, इस सिंदूर की पवित्रता और इसकी शक्ति तुझे हर संकट से बचा लेगी। क्यों लग रहा है कि माँ की तबीयत खराब है? चिट्ठी है, उस पर वही निशान है जो सड़ियल घुड़सवार के तीर पर है। आखिर ये निशान कैसा है? शायद इस चिट्ठी को पढ़कर कुछ समझ में आ जाए। पर इस चिट्ठी में ऐसा क्या है जो नानी ने इसे इतना संभाल कर रखा है?